बोलो, कोई काम कर रहे हो? तुम्हें क्या लग रहा है? लैपटॉप में क्या करता हूँ मैं? गेम खेलता हूँ। खेल भी सकते हो? अच्छा, अच्छी बात है ना, गेम ही खेल रहा हूँ। ठीक है, नहीं एक काम मतलब करना, वो बाहर से दरवाजा लगा लो, तुम ना जाओ, तुम्हारे किचन में काम करो, मुझे थोड़ा काम है यहाँ पर। जाओ जाओ, वहां से पलट जाओ, 10 फुट दूर हो ना। नहीं, मुझे नहीं जाना। क्या काम है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आप बहुत ज्यादा बिजी हो, हाँ, बिजी हूँ मैं, तो मेरी तरफ तो देखो। पहले काम कर रहा हूँ। बोला ना, बोलो ना, तुम क्या काम है? कुछ पैसे की चाहिए? मम्मी जाओ, उठाओ। नहीं पैसा नहीं चाहिए, हाँ वो वॉलेट है, जाओ वहां से ले लो, ले लो जितने पैसा चाहिए नहीं उतने। चाहिए मुझे। ओके, कुछ शॉपिंग करनी है, जाओ जाओ शॉपिंग करके आ जाओ, ले लो पैसे जितने चाहिए उतने, तंग मत करो सिर्फ। शॉपिंग मैंने एक हफ्ते पहले की थी। खाना नहीं बनाना है? ठीक है, बाहर से ऑर्डर कर लो। ओके, खाना बन जाओ, गया, खाना बन गया। खाना भी बन गया। अरे बोलो अपनी बोलो तुम। मुंडी उठाओ ना, देखो मेरी तरफ। बोलो, क्या है तुम्हारा? ये ना मेरे फोन में कुछ हो गया। तो ये ना, तुम्हारे जो फोन में कुछ भी हुआ है ना, तो ये ना मुझे तुम ना 2 घंटे बाद बताना, ठीक है? 2 घंटे ना, मुझे बहुत अर्जेंट नहीं, दो काम है। घंटे में बहुत देर हो जाएगा। तुम्हें क्या है यार, क्या है तुम्हारे फोन में कुछ रहता है कि वैसे भी, जो तुम्हारा इतना इम्पोर्टेंट काम थोड़ी ना होगा यार। बाद में दिखाओ ना, कुछ काम नहीं इम्पोर्टेंट बहुत नहीं होगा तो। इम्पोर्टेंट काम है, मतलब अभी नहीं हुआ ना तो बहुत देर हो जाएगा। इतना क्या अर्जेंट काम है यार तुम्हारा? मतलब देखो ना, फोन में कुछ हो गया। नहीं, बाद में, कुछ भी काम का नहीं होगा, मुझे पता है। जाओ जाओ, बहुत इम्पोर्टेंट काम है, आप इसको देखो। ये ना पता नहीं खुल नहीं रहा है। अच्छा, फोन खराब कर दिया क्या? मुझे आप एक काम में नया फोन ला के दो। लाओ बताओ, बाओ फोन नया लाने से अच्छा देख लूँ। क्या हुआ है बताना, ना लो देखो। अरे क्या हुआ है बताओ। पापा देखो ना, ये ना लॉक ऐसे खोलने से उसके बाद ना इसके अंदर कुछ नहीं हो रहा है। अंदर क्या नहीं हो रहा? सभी तो हो रहा है, देख लो, हल रहा है, सभी तो हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? अरे पापा कैमरा ऑन करके देखो ना, कैमरा ऑन? हाँ, ये तो कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। हाँ, आगे सभी तो ठीक है। तो कैमरा ही तो नहीं ऑन हो रहा है। हाँ तो कैमरे तो ऑन नहीं हो रहा है, सभी तो ठीक है ना, फिर प्रॉब्लम क्या है? तो कैमरा ही तो मेन है ना फोन का। तुम्हें इस टाइम अभी कौन से फोटोज क्लिक कराने, जो कैमरा तुम्हारा, यही कौन सा इंपॉर्टेंट काम है श्रुति? क्यों चिल्लाने लगा रहे हो? अरे वो मुझे भी स्टोरी डालना है, तुम्हें किस चीज की स्टोरी डालनी है? मुझे फोटो खींच के स्टोरी डालना है। भाग जाओ ऐसे, मैं ना तुम पर गुस्सा करने लगू, इससे इससे अच्छा है तुम जल्दी से भाग जाओ ऐसे, भाग जाओ जल्दी। नहीं ना प्लीज, देखो तो सही है क्या हो रहा है। मुझे स्टोरी डालना है अभी, पता है ये तो बोलो मैंने कितनी बोलो, देर पहले स्टोरी डाला था, और अभी तक मैंने चेक भी नहीं किया उसमें कितने व्यूज आए, और अभी न्यू भी डालना है। सुन रहे हो क्या? ये काम बाद में करना, पहले मेरी तरफ देखो ना। मैं ना तुम पर गुस्सा करने लगू, चिल्लाने लगू, इससे अच्छा है ना कि तुम यहाँ से जल्दी से निकल पड़ो, जल्दी, फास्ट फास्ट। गए देखो क्या? ना, पहले मेरा स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ मैं काम कर रहा हूँ ऑफिस का, तुम्हें क्या, तुम फोटोज क्लिक करके यार तुम फालतू बंती करते रहते हो यार। लो यार, मेरे फोन से निकाल लो तुम, लो जाओ। पर ओके, आपके जा। फोन से इतना अच्छा नहीं आता है। अरे भाई, मेरा फोन भी तुम्हारे से अच्छा ही है ना, अच्छे फोटोज आते हैं उसमें भी। तो पर आपके फोन में वो सब फीचर्स नहीं है, तुम फीचर्स डाउनलोड कर लो ना यार, क्यों किर-किर-किर-किर कर रहे हो? तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। मैं डाउनलोड करूंगी, फिर सेट करूंगी, फिर क्लिक करूंगी, बहुत टाइम लगेगा। श्रुति, ये सोशल मीडिया सब फालतू नहीं चीजें है, इस पर तुम क्या गुस्से जा रहे हो? इससे क्या मिलता है? अपना घर चलता है, पेट भरता है अपने इससे। लोग ना लाइक करते, कमेंट करते, मुझे अच्छा लगता अच्छा, यहाँ आके बैठो, लाइक करते कमेंट करते तो अपने कुछ से पैसे मिलते हैं, मिलते हैं क्या? है। मुझे खुशी मिलती है, मेरी अरे खुशी तो मेरे लिए खुशी, बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा जब आपका बेबी आ जाएगा, जब आपका छोटा सा बेबी होगा और वो देखेगा मम्मा इतनी सोशल मीडिया पर एक्टिव, तो मैं उन्हें तो अच्छा उसको लगेगा। भी डाल दूंगी स्टोरी पे। अरे बाबा आपको पता है हम भी कितनी बार डाल चुके हो स्टोरी पे? अच्छा, तुमने मेरी फोटोज भी डाली है? कई बार डालिए। अच्छा, मेरी फोटोज डाली और मुझे खुद ही नहीं पता है ना।
तो मैं अभी बता रही हूँ ना कितनी बार मैंने डाली है। आप कुछ भी अजीब गरीब चीज करते हो ना, उसको रिकॉर्ड करके डाल देते हो। मतलब चुपके से? हाँ मेरे बाप, मैं परमिशन भी नहीं लेती। तुम ना बड़े सर पर बैठे जा रहे हो आजकल, ये सोशल मीडिया ये सब फालतू चीजें, वैसे मैं काम सिर नहीं पर नहीं करना। बैठी हूँ, देखो मैं सोफे पे बैठी हूँ। हाँ तो मेरे सर के ऊपर आकर बैठ जाओ, बैठो वहां पर, जगह नहीं, वरना वहां पर ही आकर बैठ जाते ना। बैठो बैठो, नहीं, सर पे बैठने से मैं गिर जाऊंगी। नहीं, बैठ लो, तुम तो बैठ ही लो। तो आप सर पे एक सीट लगा के लेके आओ। बोला तो ऐसे कि इतना इम्पोर्टेंट काम है धीरे, जितना इम्पोर्टेंट क्या मिल रहा है तुम्हें इससे? खुशी मिलती है, काम में ध्यान लगाया करो ना घर पर। तुम्हें ना, मैं ना खुद से ना, के मैं सारे काम करते ही कट के बातें करते हूँ। हाँ ठीक है सुनो मेरी बात, ये लो तुम्हें, मेरा ऑफिस का काम आता है ना थोड़ा बहुत, ये लो कर लो, तो लो लो मैं आता हूँ बाहर से थोड़ा, ठीक है? नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही है क्या है। नहीं, तुम मेरे से ज्यादा होशियार हो, मुझे पता है तुम्हें सारी चीजें आती है, तुम मेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी हो, तुम्हें सारी चीजें आती है, ठीक है? तुम्हें मैं मेरे से शर्ट पे करूंगी, कौन से शर्त पर मैं ये काम कर दूंगी तो आप मेरा फोन ठीक कर दोगे। ना? अभी तो बिल्कुल नहीं, पहले मेरा काम कर दो तुम, क्योंकि मेरा काम कर नहीं देते हो तुम, मुझे पता है ना, बहुत आलसी हो ना पर तुम। मेरा स्टोरी डालना ही बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना मेरा स्टोरी हट जाएगा। तो बाबा उसे बाहर लेके जाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, क्योंकि देख लो कैमरा ओपन हो रहा है लेकिन सामने का पूरा ब्लर ब्लर आ रहा है, तो कैमरा खराब हो गया, पक्की बात है। तो फिर नया फोन ला के दो। तुम्हें तो ऐसे लगता है कि नया फोन ला दो, मतलब यहाँ पर सोना चांदी लगा है। तो मैं कैसे स्टोरी डालूंगी फिर? और रहने फिर दो, मेरे को फोटो भी पोस्ट करना है, मेरे हाँ तो रहने दो, फैंस मेरा वेट कर रहे हैं। तुम्हारे फैंस, बाप रे बाप। मेरे बहुत सारे फैंस मेरा वेट कर रहे हैं। वो 10-12 हज़ार फॉलोअर्स क्या बढ़ा लिए इंस्टा पर तुम्हारे फैंस, हाँ फालतू मेरे बनती बहुत कर। सारे फैंस हैं ना, सब बेचारे रोएंगे बताए। कभी कभी ना मुझे दुख होता है, पता है किस बात का? किस बात का? कि मैंने ना तुम्हें जॉब नहीं करने दी, वरना मेरे से ऊंची जॉब तुम्हें मिलती है, मुझे पता है। अगर से वो तुम तो आज है। भी अप्लाई अगर से तुम आज भी अप्लाई करते हो, तुम्हें फट से जॉब मिल जाएंगी। ऐसे तुम फालतू काम में तो ध्यान नहीं लगाओगे ना? नहीं अभी मुझे ये मजा आने लगा है। आपने ही मजा मुझे आने, फोन दिया, आपने सोशल मीडिया का आइडिया दिया ना, तब तो मैं करूंगी। हाँ तो तुम बोलते थे धीरज यार मैं सारा दिन क्या करूँ, मैं बोर होती हूँ, तो फिर मैंने बोला कि चलो सोशल मीडिया पर थोड़े रील्स वगैरह डालना चालू कर दो, पॉपुलर हो जाओगे। मुझे क्या पता था इतनी क्यूट लड़की इतनी जल्दी पॉपुलर हो जाएंगी। मेरे फैंस ना मेरे लिए वेट कर रहे हैं। वेट कर रहे, तो मैं तो बोलता हूँ फिर से तुम अप्लाई कर लो यार जॉब के लिए, मतलब काम में रहोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन फिर सोचता हूँ कि आगे हमारा इन फ्यूचर बेबी होगा, तो फिर उसका देखभाल कौन रखेगा? पैसे का, पैसे की तो नीड है ही नहीं यार, जैसे तुम्हें जॉब करनी पड़ेगी, मेरे मतलब मैं करता हूँ तो सारे काम निपट जाते अपने। हाँ वो भी है, पर आप मेरा फोन देखो पहले, या फिर मैं आपका फोन ले लूंगी फिर। हाँ ले लो जाओ मेरा फोन ले लो, जाओ अभी मैं मेरा काम निपटा तो, तो किसी मैं का कॉल आया, आपका फोन से ही फिर करूंगी। हाँ अभी का कर लो, लेकिन किसी का फोन आया तो उठाना नहीं, उसके बाद मेरा फोन ऑन रन देना, वरना एयरफोन मोड में डाल के तुम रील्स बनाते हो, मुझे पता है, ऐसी पागलबंदी नहीं करनी। बस नहीं मैं एरोप्लेन मोड पे नहीं डालती, फिर क्या करते हो तुम? मैं तो ऐसे नॉर्मली बनाती हूँ। नहीं लेकिन तुम मतलब पर किसी का मैं अभी, कॉल, मुझे अभी रील्स नहीं बनाना है, मुझे अभी सिर्फ फोटो खींच के स्टोरी लगाना है। तो एक काम करते, मेरा 1 घंटे में काम निपट जाता फटफट, फिर हम बाहर चलते। ओके, ये क्या करने, तुम्हारा फोन सुधराने यार, क्या करने क्या जाएंगे? तो आप अकेले जाके करो ना, मुझे तो पता है एक अच्छे से डिश बनाना है, फिर उसका फोटो डालना है। अरे बाप, हाँ एक अच्छा सा डिश बना के ना उसको सजा के फिर उसका स्टोरी डालना है। पछतावा होता है कि मैंने तुम्हें जॉब करने से क्यों रोका था, ये सिर्फ फालतू आइडिया मैंने तुम्हें क्यों दी थी? अब तो कुछ कर नहीं सकते, अब तो हो गया। नहीं, बहुत पछतावा होता है कभी कभी, इतना होता है कि कभी कभी ना आंखों से ऐसे आंसू आ जाते हैं और रुकते नहीं है, आते ही जाते आते ही जाते तो आते ही उसको जाते, क्यों? बहने दो, रुको मत, मैं इसका भी स्टोरी डाल दूंगी। कितनी मस्त लाइन बोली ना मैंने, कहाँ इसको से ना लाते हुए? टेस्ट कैप्शन डालना चाहिए इसका। अच्छा किस चीज का कैप्शन डालना चाहिए? क्या आंखों के आंसू कभी रोकना नहीं चाहिए, इसको बहने दो वरना दिल में दब के रह जाएगा।
हाँ। कितना मस्त लाइन है ना। तुम इतने क्यूट क्यों हो, पहले बताना मुझे। आप कुछ कर नहीं सकते, मैं बचपन से ही हूँ। हाँ तो तुम्हारे मम्मा को जाके पूछना पड़ेगा मेरे को, कि मम्मा भी इतनी क्यूट थी जब भी तुम इतने ज्यादा क्यूट हुए, वरना फिर तो। मेरे घर पे सब लोग क्यूट हैं, अच्छा हाँ सिर्फ आपको छोड़ तुम्हारा, के। तो तुम्हारा घर था ना, ये मेरा घर है ठीक है, अभी ना ये अपना घर है, वो तुम्हारा घर, तुम्हारा घर हो गया खत्म ठीक है। मैंने तो घर का बात बोला ही नहीं, आप झगड़ा करने के मूड पे क्यों आ रहे हो? झगड़ा करने की मूड में ना रहा, लेकिन मैं भी बता रहा हूँ कि अपना घर करना चाहिए, हमेशा किसी और का घर नहीं करना चाहिए श्रुति। मैंने किसी और का घर बोला ही नहीं, मैंने तो आपके अच्छा घर का ये बात ही ना, नहीं बोला। हाँ बाबा सारी गलती मेरी, सारी गलती सारी मेरी। गलती आपकी, मैंने अभी घर का कुछ बोला ही नहीं, मैं सिर्फ आपका बोला। हाँ 10-12 मिनट पूरे मेरे बर्बाद कर दिया आपने, अब बाहर जाओ, मुझे 1 घंटा काम करने दो, 1 घंटे बाद अपना मैं जाता तो हूँ। आपका फोन तो दो। हाँ लो मेरा फोन लो, मेरे फोन से कर लो क्या करना है तो, और उसके बाद फिर मैं तुम्हारा फोन सुधरा के लाते लेकर आता हूँ, वरना फिर न्यू। ओके खुश, ठीक है, ओके सिर्फ तुम्हारा अच्छा एटीएम वाला, कार्ड दे देना लेकिन ना ओके। इसमें कैमरा अच्छा हो। हाँ तो तुम्हारा एटीएम कार्ड दे देना, उसमें बहुत पैसा है ठीक है, तुम्हारे फोन से तुम्हारे मतलब मेरे तुम्हारे पैसे। एटीएम कार्ड खो गया, हाँ, एक काम कर देना, फोन पे से कर देना ना पैसे वहां पर मेरा ट्रांसफर। फोन पे है ही नहीं। इतना झूठ लालची लड़की। सच में नहीं है, इतने पैसे क्या करोगे तुम, जितने तुम्हारे अकाउंट में पड़े हैं, मैं ना एकलौती लड़की पैसों दे का पेड़ लगाऊंगी। सोच रही एक एक नोट को ना गाड़ के उसका पेड़ बनाऊं। वही ना, एकलौती लड़की थी तुम अभी भी हो, और उसके बाद इतना तुम्हारे पापा के पास पैसा, इतने तुम्हारे अकाउंट में पैसे अभी भी आते हैं मंथ के मंथ, अब मेरा कौन मुंह आ क्या देख रहे हो, गया? जाओ यार तुम हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ। जाओ, जाओ जल्दी।